में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एंड्रॉइड 10 लॉन्च कर दिया गया गूगल के द्वारा 3 सितंबर 2019 को। और आप लोगों के पास क्या क्या डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस पर लॉन्चिंग कब होगी और कब आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे ओवर द ईयर, तो ये सारी फीचर्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फिलहाल हमने 10 जो एंड्रॉइड 10 के फीचर्स हैं उनको किया है सॉर्ट आउट। और सबसे खास बात ये कि इस बार एंड्रॉइड 10 का कोई भी स्वीट नेम नहीं होने वाला, आप लोगों को बुलाना होगा एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड किटकैट, एंड्रॉइड मार्शमेलो, नो कंफ्यूजन नहीं होगी यहां पर हमें से बुलाना होगा एंड्रॉइड 10, फाइन। सो एंड्रॉइड 9 के बारे में बात कर रहे थे, एंड्रॉइड 8, 7, 6, 5, 4, तरह तरह के डिशेस के यहाँ पर, तरह तरह के स्वीट्स के यहाँ पर नाम दिए गए। तो फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन आता है गूगल के सामने कि क्या सारी स्वीट्स खत्म हो गई। सो मुझे तो नहीं लगता है कि सारी स्वीट्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि स्वीट्स का अभी ढेरों सारी बाकी है। सो यहाँ पर एक ट्रेंड लेके आया जा रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रांडिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडिंग टेक्निक है वो एप्पल की बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू गूगल। बट अब गूगल भी उसी ट्रेंड पर आ रहा है कि जिस तरह से हमने iOS 11, iOS 13 अभी जो है वो लॉन्च हुआ है, iPhone 11 लॉन्च हुआ है, तो सेम वे में यहाँ पर Android 10 को जो है वो कहीं ना कहीं नाम दिया गया है। और इसी तरह आगे आने वाले जो वर्जन्स होंगे वो शायद Android 11 और Android 12 होंगे, जो आपको याद रखने में बहुत आसान होंगे, ना कि आपको ऐसा याद रखना होगा Android मार्शमेलो या फिर Android किटकैट, ये सारी चीज़ें जो है ना ये भूल जाना। बहुत एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे ट्रेंड पर लेकर आ गए हैं। तो चलिए 10 फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से हैं वो 10 फीचर्स जो आप लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी है। तो सबसे जो फेमस यहाँ पर हो रहा है वो फीचर है यहाँ पर डार्क मोड। तो आपकी आंखों को लेकर और बैटरी को लेकर खास ख्याल रखा गया है यहाँ पर डार्क मोड में। तो क्या होता है डार्क मोड, जब भी आप ऐप को यूज करते हैं किसी भी ऐप को, तो आपको वहां पर मिलता है डार्क मोड का फीचर, आपको जस्ट उसको टॉगल करना है। और जैसे टॉगल करते हैं तो आपकी पूरी जो ब्लैक स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ऐप, और उसके साथ जो टेक्स्ट है वो कलरफुल या व्हाइट रहेंगे, आपको तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाई कॉन्ट्रास्ट जो है वो वहां पर जनरेट हो जाता है। और साथ ही आपकी आंखों के लिए और आपकी स्क्रीन के लिए, बैटरी के लिए वो काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू ब्लैक कलर्स रहेंगे। और ये उन लोगों के लिए खास अच्छा रहेगा जिनकी डिवाइसेस में है एमोलेड स्क्रीन्स या ओएलईडी स्क्रीन्स, तो क्योंकि वहां पर जो है वो बैटरी सेविंग टेक्निक है वो वहां पे करेगी काम। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा सेकेंड फीचर है वो आता है हमारा फोकस मोड। तो काम करने वाले, आज अगर हम ऐप में देखते हैं, हमारे मोबाइल्स में देखते हैं, तो ढेर सारे ऐप्स हमारे यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। अगर मैं अपनी ही मोबाइल की बात करूँ तो करीब 70 के आसपास जो ऐप्स हैं वो उसमें इंस्टॉल्ड हैं, और डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको एक फोकस मोड यहाँ पर दिया गया है, आपको सिर्फ काम करते करते फोकस टैप करना है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप जिन जिन ऐप्स को चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम अगले जो मोड की बात कर रहे हैं वो है हमारा लाइव कैप्शन, जो कि एक बहुत खास फीचर है जिसको लॉन्च किया गया सिर्फ एंड्रॉइड 10 के साथ। इसके प्रीवियस वर्जन्स में आप कैप्शंस तो कर सकते थे, जैसे आप सेटिंग्स में जाते थे तो इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट देखते थे तो वो कैप्शंस तो थी, बट वो कैप्शंस देना कहाँ से था। अब वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आप अगर आप ऑडियो करते हैं, वीडियो करते हैं, तो आपको जैसे ही बोलते जाएंगे तो कैप्शन जो है वो टाइप होता जाएगा, और टाइप होने के बाद आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या किसी सामने वाले को आप सेंड भी कर सकते हैं। तो लाइव कैप्शंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, जिससे कि आप टेक्स्चुअल भी पढ़ सकते हैं कि पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है, और आपकी जो खास टाइपिंग की मेहनत है वो वहां पर बच जाएगी। इसके बाद अगला जो फीचर आता है वो डिपेंड करता है गूगल असिस्टेंट पर। अगर आपने गूगल असिस्टेंट अभी तक यूज नहीं किया है तो शायद आप बहुत पीछे हैं। तो गूगल असिस्टेंट की मैं यहाँ पर बात करूँ, जो एंड्रॉइड 6 या मार्शमेलो से ऊपर वाले वर्जन में आया हुआ था, और खास करके यहाँ पर जो टेक्स्ट और मेल्स हैं, आप जीमेल अगर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो डायनेमिक वर्जन जीमेल का जब से लॉन्च हुआ है, तब से आप जब भी कोई मेल आता है तो आपको रिप्लाई के ऑप्शंस आ जाते हैं, सजेशंस आते हैं। उसी तरह से एंड्रॉइड में मैसेजिंग एप्स में भी आपको यहाँ पर सजेशन मिलेंगे, और साथ ही इंटीग्रेशन इतना डीप दिया है यहाँ पर
कि अगर आपने अपने दोस्त को बोला कि मुझे पार्टी करना है, तो गूगल नियर अबाउट जो प्लेसेस होंगे वो उनको ढूंढ के दे देगा। और अगर आपने कहीं घूमने की प्लेसेस ढूंढना है, मैसेज में अगर मेंशन किया होगा कि लेट्स गेट टुगेदर और लेट्स हैव अ टी, सो आपको जो कैफे होंगे या टी प्लेसेस होंगे वो सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब जो अगला खास फीचर है वो है साउंड एम्पलीफायर। तो फिलहाल जैसे हम इक्वलाइजर की बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक सेटिंग दी जा रही है साउंड एम्पलीफायर को लेकर। तो जो साउंड एम्पलीफायर है वो क्या काम करेगा, जो आपके बैकग्राउंड नॉइस है उसको करेगा कम और जो मेन वॉइस है उसको करेगा ज्यादा। तो एक तरह से यहाँ पे बूस्टर का काम कर सकते हैं साउंड नॉइस को कम करके। तो और ये जो काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेडफोन के थ्रू आपको काम करेगा। तो आप यहाँ पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, बट हेडफोन से जितने भी काम कर सकते हैं उनमें आपको जो साउंड एम्पलीफायर है वो काम करेगा। तो अगर आप इसको कभी यूज भी करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो प्ले स्टोर में जाइए और साउंड एम्पलीफायर जो गूगल का है उस पर आप ऐप को डाउनलोड करिए और इजीली यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद जो पिक्सल 4 को लेकर जो खास प्रमोट किया जा रहा है वो है जेस्चर नेविगेशन। यस, पॉज, स्टॉप, प्ले। तो इस तरह से कुछ आप अलग अलग जेस्चर्स यहाँ पर दे सकते हैं अपने फोन को। तो अब ये देखना ये है कि जो जेस्चर नेविगेशन है वो कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है, क्या ये सिर्फ गूगल के पिक्सल 4 के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है या आप सभी लोगों के फोन के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके बाद खास बात जिसमें एप्पल और गूगल की छिड़ी हुई थी वॉर, तो वो है प्राइवेसी कंट्रोल्स। तो प्राइवेसी कंट्रोल्स को लेकर जैसा कि एक बार गूगल ने कमेंट किया था कि हमारी जो प्राइवेसी है वो बहुत बेहतर है और यूजर को बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने होते हैं, तो सेकेंडरी जब एप्पल का कमेंट आया था कि हम डेटा लेते हैं बट यूजर का डेटा कभी यूज नहीं करते हैं अपने लिए, तो इन दोनों में एक जो प्राइवेसी के लिए वॉर छिड़ी हुई थी, तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पर लॉन्च किया गया है प्राइवेसी कंट्रोल। तो प्राइवेसी कंट्रोल इस बार बहुत इजी बना दिया गया है, आप वो बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्स क्या क्या प्राइवेसी को आपको यूज कर रही है, साथ ही आपको किन किन एप्स के साथ अपने लोकेशन शेयर करना है नहीं करना है, कॉन्टेक्ट शेयर करना है नहीं करना है, या फिर वो एप्स आपसे बार बार उसके लिए पूछे या नहीं पूछे, ये सारी सेटिंग्स जो है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। और ये सारी सेटिंग्स हम आपको जैसे हमारे फोन के अंदर अपडेट्स आएंगे हम आपको वहां पर अपडेट कर देंगे। और प्राइवेसी कंट्रोल का ही अगला पार्ट जो 8 नंबर है वो है हमारा यहाँ पर लोकेशन कंट्रोल। तो लोकेशन कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो भी है यहाँ पर कि कैसे बहुत सारी एप्स जो है आजकल जो लोकेशन की डिपेंडेंट होती हैं, लोकेशन मींस कि वो जानना चाहती हैं कि कौन सा यूजर हमारे किस एरिया में रहकर कितनी ऐप को यूज करता है, या फिर जो डेटा का जो टेक्निक है डेटा माइनिंग की जो टेक्निक है उनको यहाँ पर यूज करना चाहती है। हालांकि कुछ वर्ड्स नए हैं आपको, तो ये मैं अगले वीडियोस में आपको यहाँ पर बता दूंगा कि क्या होता है डेटा माइनिंग, डेटा बिजनेस क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप जुड़े रहिए मुझसे, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो लोकेशन शेयरिंग बहुत ही खास चीज है जिसपे लगभग हर कंपनी पैसा खर्च करना चाहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो ये इसको भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक खास फीचर, वो है सिक्योरिटी अपडेट्स। अभी तक जितनी भी अपडेट्स आती थी आपको बार बार बूट करना होता था फोन को, लेकिन इस बार अब आपको फोन बूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड्रॉइड 10 में आपको गूगल प्ले स्टोर से गूगल प्ले सिस्टम एप्स के लिए सारी के सारी अपडेट्स वहां पे डिलीवर होंगी ओवर द ईयर, और साथ ही वो फोन ऑन रहते ही इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको फोन जो है वो रिस्टार्ट नहीं करना होगा। ये एक खास बात है जो इसको iOS से अलग लेकर जाती है एक आगे के वर्जन में, क्योंकि iOS में अभी तक वो फीचर नहीं आया है जिसमें फोन को रिस्टार्ट ना करना पड़े। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैमिली लिंक्स के बारे में। अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों को अपने मोबाइल्स जो है शेयर करते हैं या बच्चे भी एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, तो काफी कुछ कंट्रोल्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, और साथ ही आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस ऐप को कितने घंटे यूज कर सकते हैं, और आप उनको कंट्रोलिंग भी वहां पर दे सकते हैं, और साथ ही ब्राउजिंग का जो डेटा है वो भी आप उनको ले सकते हैं। तो काफी कुछ जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। तो ये थी जो सारी 10 टेक्निक्स जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, 10 स्पेशल फीचर्स। तो हमने क्या क्या समझा अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर डार्क मोड, फोकस मोड, लाइव कैप्शन, स्मार्ट रिप्लाई, साउंड एम्पलीफायर, जेस्चर नेविगेशन, प्राइवेसी कंट्रोल्स, लोकेशन कंट्रोल, सिक्योरिटी अपडेट्स, और साथ ही जो 10th हमारा फीचर है वो है यहाँ पर फैमिली लिंक्स। तो इन सारी चीजों के बाद अब क्वेश्चन उठता है कि आपके फोन में जो अपडेट्स हैं वो कब आएंगी। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा जितने भी स्पेसिफिक नोकिया फोन्स यूजर हैं उनके जो नोकिया 7 और नोकिया 8 वाले जो स्पेशल यूजर्स हैं उनके लिए अपडेट्स आपको दिसंबर तक मिल जाएंगी 2019 में ही,
और साथ ही जो नोकिया 7 से बिलो इट मींस कि नोकिया 6.1 से लेके नोकिया 4.2 3.2 2.1 वाले जो लोग हैं जो एंड्रॉइड 10 डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनको जो अपडेट्स मिलेंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट पे मिलेंगी। इट मींस कि सेकंड अपडेट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वो 2020 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको जनवरी से लेके मार्च के बीच में आपके फोन्स में ओवर द ईयर सारी अपडेट्स जो है वो आ जाएंगी और आप यूज कर रहे होंगे नोकिया एंड्रॉइड 10। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और फोन्स हैं और पिक्सल जो अपडेट्स हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, तुरंत ही उनके लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है। और अगर आपके पास इनके अलावा कोई और मॉडल्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम बताएंगे आपको कि आपके जो अपडेट्स हैं आपके फोन में वो कब मिलेंगी और आपके जो फोन है वो अपडेट्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों हमसे कनेक्ट रहने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए हुए राइट बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसमें जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट्स ऑन टाइम यहाँ पर मिलते रहें। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से डेली ब्लॉगिंग, तो आपको यहाँ पर जितनी भी टेक्निकल अपडेट्स हैं वो यहाँ पर टाइम टू टाइम अब जो है वो मिलती रहेंगी। और इसी के साथ आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स पर, और साथ ही हमें मिल सकते हैं techytad.in पर जो हमारी वेबसाइट है आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। और सभी को पता है कि जो क्वेश्चंस नॉर्मली जो अराइज होते हैं वो क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके। और अगर जो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा अलग तरह से आते हैं तो हम उनके लिए बनाते हैं स्पेशल वीडियो। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोगों तक फैला दीजिए जिससे कि एंड्रॉइड 10 के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिल सके, आपके फ्रेंड्स को मिल सके और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए टेकी टेक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।